तो बच्चों अभी हम लोग ये जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर है 0.8 के ऊपर बार क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 9 मैथ्स में इसको हम लोग डेसिमल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म पी ऑफ 1 क्यू। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों 0.8 के ऊपर बार इसको चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, लेट एक वेरिएबल को मान लेते हैं, इसके इक्विवेलेंट लेट एक्स इक्वल टू 0.8 बार आर, इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 0.8888 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और इसको क्या दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसके बोथ साइड में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 10। इक्वेशन 1 के बोथ साइड में हम लोग 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.88 डॉट 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 डॉट, ऐसा हो जाएगा। अभी हो जाएगा 10x इक्वल टू 8.88 डॉट 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 डॉट। अब इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वेशन 2, ठीक है। इस स्टेप से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट में एक प्लेस खसक जाएगा, है ना, शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इसको साइड में लिख सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 8.88 डॉट 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 माइनस 0.88 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस एक्स 9x, 9x इक्वल टू 8.88 डॉट 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 माइनस, ये इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 0.88, है ना, इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 0.88 माइनस 0.88 डॉट 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 डॉट। तो देखिए 0.88 जो है इस 0.88 के इक्वल है तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे आर करके लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 8। इन दोनों को माइनस किए तो क्या मिला हम लोग को, 9x इक्वल टू एक्स, आर एक्स इक्वल टू ये जो 9 मल्टीप्लाई में है इधर प्रोडक्ट 9 इंटू एक्स है, उधर शिफ्ट करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 8/9, ठीक है। अब 8/9 जो है किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है 0.8 बार का, तो इसका आंसर क्या जाएगा, अगर हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखें तो 0.8 बार को ये हो जाएगा 8/9। बच्चों यही इसका आंसर है।